बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिस नाजिया एक बार फिर आपके साथ सबक नंबर 9 लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं और अयादा शुरू करते हैं। अयादा, हमने भारी आवाज़ें और उनकी अशकाल पढ़ी थी। आपको हरूफ़ तहज्जी में कुछ हरूफ ऐसे थे जिनकी भारी अशकाल बताई गई थी। उनमें भा, फा, था, ठा, झा, छा, धा, ढा, रा और ळ, ये भारी आवाज़ें हैं। इनको मैं एक दफ़ा फिर दोहराती हूँ। ब की भारी शक्ल होगी भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ळ। ये तो अयादा था भारी अशकाल का। अब हम आते हैं जमात के काम की तरफ। आज हम जमात में उर्दू की गिनती यानी आदाद और हिंसे पढ़ना और लिखना सीखेंगे। गिनती तो आप सबको आती होगी। हिंसे और अल्फाज, एक अल्फाज, एक लफ्ज, ये एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पांच, पांच। हिंसे और अल्फाज आपने देखे कि किस तरह लिखे गए हैं। एक, आसमान पर एक चांद है। एक हिंसा और एक का लफ्ज भी लिखा हुआ है। एक, दो, मोटरसाइकिल के दो पहिए। तीन, तीन, तीन गुब्बारे, बुनियादी रंग भी हैं, नीला, हरा और लाल। चार, चार, चकोर के चार कोने, एक, दो, तीन, चार। पांच, पांच, सितारा मछली के पांच हाथ हैं। आपको नजर आ रहे हैं, काउंट कीजिए जी। एक, दो, तीन, चार, पांच। तो आज हमने पांच तक गिनती, अल्फाज और हिंसे सीखे। आपको घर का काम दे रही हूँ। आपने एक से पांच तक गिनती लिखनी है हिंसे और अल्फाज में। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।